तो दोस्तों आपसे क्या ही छुपा है यार, अब बिना बोले रहा भी नहीं जा रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ए, देखो हम कहाँ हैं? ये सब अचानक से ही हुआ है, ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हम लोग जाएंगे। और मतलब राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी? आए होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे हमने लेकर, तो आपको पता ही चल गया होगा हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी हम नहीं अच्छे से एक्सप्लेन करते आपको, समझ आ गया तो अच्छी बात है। तब तक आप आगे वीडियो देखते रहिए, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। मैं इतना खुश की हो रही है, हमारी राधे कितना खुश हो रही है देखो। ये हम पहुंचे हैं कोसी कला, वही लिखा है ना, देखो आपको नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। हेलो बेबी, आई एंजॉयिंग। राधे ना भी सच में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है। A few moments later. बाहर हो रही है थोड़ी थोड़ी बारिश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा। देखो अब पता चला मैं कहाँ पहुंची, नहीं दिख रहा होगा ना आपको अभी भी क्लियर। अब देखो दिखा कुछ, दिखा होगा अब तो। तो दोस्तों आपसे क्या ही छुपा है यार, अब बिना बोले रहा भी नहीं जा रहा है। तो हम लोग हैं बरसाना पे और अभी ना हम लोग अंदर को जा रहे हैं। अभी यहाँ पर पहले हम लोग होटल पे स्टे करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं अच्छे से, उसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर। यहाँ ना अभी जिया जी होटल देखने के लिए रुके हुए हैं। हम लोग पहुंच गए हैं रूम पे, जिया जी लोग गए हैं थोड़ा बाहर क्योंकि किसी ने कुछ भी नहीं खाया, तो अगर वो कुछ लेकर आते हैं खाने के लिए, और थोड़ा सामान और भी लाना था। और हमारी राधे को देखो तो ये, देखो तो ये कैसे देख रही है, मतलब सब कुछ आपको मैं क्या बताऊं। क्या हुआ, राधा रानी के घर आई हो तुम है? ये ऊपर देख रहे ना लाइट्स वगैरह, इसको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ओहो, आहा, राधे देख तो गुड्डा राधा रानी के घर में आया है। तो अभी फ्रेशन अप होते हैं, फिर उसके बाद राधा रानी के मंदिर जाएंगे हम लोग। मजा आ गया यार, मजा पता है ये सब अचानक से ही हुआ, ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि हम लोग जाएंगे। और मतलब पता नहीं जिया जी को क्या एकदम से ख्याल आया, उन्होंने बिना पूछे टिकट कर दी और मुझे पता भी नहीं था। भाई मैं इतना खुश हुई हूँ ना, आपको क्या नहीं पता। तो यहाँ तो पहुंच ही गए हैं, अभी जाते हैं इसके बाद मंदिर मैया के, राधा रानी के मंदिर। क्या हाँ, A few moments later. राधे देखो हम कहाँ हैं, हम राधे रानी के बरसाने पे हैं। तो दोस्तों अभी सबके सब रेडी हो रहे हैं, मैं रेडी हो गई हूँ और राधे ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, लेकिन ये अभी अच्छे से रेडी नहीं हुई है। फिर उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं राधा जी के मंदिर की। मैं तीसरी चौथी बार बोल रही हूँ आपसे कि हम राधे रानी के मंदिर जाने वाले हैं, क्यों इतनी एक्साइटेड हो रही, इतना खुश हो रही हूँ ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सो गाइज हम लोग रेडी हो गए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं मंदिर के लिए, और हमारी राधा भी रेडी हो गई है। ये सो गई थी ना, इस वजह से हम घर से थोड़ा, रूम से थोड़ा लेट निकल रहे हैं। देख रहे हो राधे, मेरे राधे और मेरी बच्ची। चलो चलो रुमाल ना, हमारा बरसाने की गलियां, और यहाँ पर छोटे छोटे कान्हा जी भी हैं, बड़े बड़े कान्हा जी भी हैं, आपको सब दिखेंगे यहाँ पर को। मैं भी देख रही हूँ, आनंद आ रहा है यार, सब कुछ देख के। देखो कितने प्यारे प्यारे सामान है यहाँ पर को, कितनी प्यारी प्यारी मूर्ति है कान्हा जी की। हाँ देखो कितने सुंदर कपड़े हैं यार कान्हा जी के, इसमें से हम अभी वापसी पे ले जाएंगे पक्का, बहुत प्यारे हैं यार। तुलसी मालाएं पूरी शॉप हो रही है, वो सब आगे भागे दीदी। यहाँ गोपी ड्रेस भी दिख रही है, बता बड़ी ले भी लेंगे। हाँ ले लेंगे, अब मैं भी लूंगी गोपी ड्रेस, मजा आएगा।
तो दोस्तों यहाँ से ऊपर को है राधा जी के मंदिर का रास्ता। अरे देखा, ये आपके माध्यम से इन सब के भाग जगे हैं। सही है। ये राधे है हमारी अल्मोड़ा उत्तराखंड। अरे वाह वाह राधे राधे, इसका नाम भी राधे है। ये हमारी राधे है, हमारी भी एक नन्नी है, एक और नन्नी आ गई। अच्छा, बोलो लाडली लाल की जय। राधा जो अल्मोड़ा से आई है श्री जी से मिलने, तो हम सब इसका आशीर्वाद ले रहे हैं। जय हो। जय जय नन्ना, जय जय राधी राधे बो बरसाने वारी की जय। कृपा होगी थोड़े दिन। चलो जे जे। तो दोस्तों अभी राधे से इतने लोग मिले, इतना अच्छा लगा ना, मन भर गया, मतलब बड़ा अच्छा सा लगा यार। अब यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से शायद से 250-300 सीढ़ियाँ हैं मंदिर तक का रूट जो है पूरा। थक गए लग रहा सब। तो यहाँ पर से अभी हम लोग अंदर मंदिर के लिए ले रहे हैं प्रसाद। तो ये रहा हमारी राधे रानी का बरसाना, और ये रहा ऊपर हमारी लाडली जी का मंदिर। देखो कितने प्यारे कान्हा आ रखी है, कान्हा राधा। A few moments later. A few moments later. ये 11वें रुद्र हनुमान जी वहाँ नजीक से बनाओ, हनुमान जी 11वें रुद्र हनुमान जी सप्तम स्वरूप शेषनाग लाडली गाय के पैर, सुरभि गाय के पैर, कामधेनु गाय के खुर और सिंह स्वरूप में बलराम जी ठाकुर जी के बड़े भाई। ये पांच चिन्ह तो यहाँ है, जब ठाकुर जी को गोपी बनाया गोपियों ने तो ये पांचों पधारे के देखते हैं आज तीन लोग को नाथ कैसे नारी स्वरूप में, क्योंकि ठाकुर जी ने ज्यादा समय नारी का रूप नहीं रखा। अच्छा। या तो उस टाइम पे रखा जब समुद्र मंथन हुआ तो मोहिनी स्वरूप रखा, या फिर यहाँ आके गोपियों ने जबरदस्ती ठाकुर जी को गोपी बनाया। ये कान्हा जी के पैर के चिन्ह आगे को पीछे को पापा उठा।
दूसरा हाथ ऐसे टिकाए, दोनों हाथ ऐसे टिकाए, देखिए हाँ। दोनों हंसते हैं। अच्छा वो ठाकुर जी का बैठने का स्थान जो गद्दी आप देख रहे हैं ऊपर, ये ऊपर वाला ऊपर पीले कलर का, तो वहीं से आपको ये पूरी साकरी कोर की लीला समझ में आएगी। ये ग्वाल वालों की गद्दी, ग्वाल वालों की हाँ, जो ग्वाल वाल जो बैठते थे नहीं गली का टैक्स उगाते थे वो ये है। अब यहाँ नीचे यहाँ मटकी तोड़िए, वहाँ चलते हैं फिर वहाँ गद्दी पर चलेंगे। फूल पड़े हैं इसलिए तो कहीं भी सूंगो, यहाँ आज भी दूध दही मक्खन की स्मेल आएगी। इसी को देखने के लिए बड़े बड़े आचार्य ऋषि मुनि आते हैं, क्योंकि यहाँ तो पूरी पहाड़ी का पानी जो भी आता है बह के इधर से ही जाता है इधर की साइड में। इसकी कितने भी धो लेना इसका स्माइल जा नहीं सकती। आदि ये है हमारे ठाकुर जी के बैठने का स्थान, और यहाँ से 20-20 किलोमीटर दोनों तरफ दिखता है। अच्छा, और 20 किलोमीटर के अंतर्गत में 16 गांव आते हैं। 16 गांव की सभी गोपियाँ इसी मार्ग से जाती थी। अच्छा, क्योंकि जमुना पर गहवर्ती यहाँ होके जमुना जी बैठी थी, सिर्फ एक यही मार्ग था आने जाने का, तो यहाँ से ठाकुर जी देख लेते थे दूर दूर तक। गोपियाँ जितनी गोपियाँ आती थी उतने ही ग्वाल बाल उतारते थे नीचे, और उन सबसे मक्खन का टैक्स बस मिला करते। सांकरी गली बनी पर्वत की, गदले चली कुमर की रत्ती, आगे गाय चरेंगे घर की, और दीने सखा सिखाए, सब सखाओं को सिखा दिया। हाँ करी ना ना करी ठाकुर जी ने सखी ऐसी फसा दी, ना तो ये कहवी करे कि मैं दूंगी, ना ये कहवी करे कि मैं नहीं दूंगी। अगर ना करूं तो नहजा, और हाँ करूं तो पीट जाए। अगर मैं हाँ करती हूं तो मेरा प्रेम खत्म हो जाएगा, और मैं ना करती हूं तो मेरी मटकी फूट जाएगी। इसलिए ना तो ना करी ना हाँ करी जब बनेगी गली सांकरी, क्योंकि दोनों स्वरूप, अगर मैं ना करूं तो ठाकुर जी मटकी फोड़े, और हाँ करूं तो सबरी को मांगे, यमर गोपी को तो सर्वस्व जाए ना। इसलिए ना तो ना करी ना हाँ करी जब बनेगी गली सांकरी। बरसाना क्या है? प्रेम लीला है, ज्ञान लीला नहीं। बरसाना जो अगर प्रेम जानता होगा तो ही बरसाना रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। शेष महेश सुरेश गणेश्वर कोई ना आपको पार ना पावे, और यहाँ ब्रज की छोरियाँ छिछिया और छाछ पर नाचने चाहो। ठाकुर जी को उस पर्वत ऊपर लाए और छाछ पिला पिला के ले जाए। So, दोस्तों शाम के ना 7 बज रहे हैं, और हम लोग इन दो जगह के अलावा कहीं भी नहीं जा पाए, क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और बिल्कुल भी सहन करने जैसा नहीं हो रहा था। एक तो हमारे साथ बॉय है, आप लोगों को तो पता ही है। तो अभी राधे थोड़ा सोकर उठी हुई है, हम लोग ना यहीं पर जो थोड़ी लोकल मार्केट है वहाँ पर तक का जा रहे हैं, और फिर कल सुबह निकलेंगे हम वृंदावन के लिए। तो अभी चलते हैं, पहले इसको दूध दूध बुलाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ पर से भी थोड़ा। दोस्तों यहाँ पर से ना कीर्ति मंदिर 5-10 मिनट का रास्ता है, तो हम लोग ना कीर्ति मंदिर भी जा रहे हैं, और मंदिर जो है ना वो शायद से 7:15 तक ही ओपन है, तो अभी 7:15 हो गया है, फटाफट से चलते हैं। कम से कम अभी वहाँ जाने का मौका मिल गया, नहीं तो हम कहीं भी जा नहीं पाए यार दोपहर से। बाहर का मौसम थोड़ा गर्म है, और हमारी दादी के भी गर्म गर्म से हाल है, ऐसे हो रहा है कि देखो। दोस्तों हम लोग कीर्ति मंदिर आ गए, और मंदिर कितना सुंदर है देखो। तो दोस्तों ये रहा कीर्ति मंदिर, और मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है देखो, बहुत प्यारा है ना, बहुत ही ज्यादा सुंदर। अच्छा हुआ कि हम रात के टाइम आई, इतना खूबसूरत नजारा नहीं तो रह जाता। श्री बरसाना धाम की जय, श्री कीर्ति मंदिर की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। Thank you.
हम लोग ना कीर्ति मंदिर से आ गए हैं और अभी हम लोग आए हैं मार्केट। सो देखते हैं अगर कुछ अच्छा लगता है तो लेकर जाएंगे। पहले भौगोलिक देखना है हमने। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर को, यहाँ पर हम देख रहे हैं स्कर्ट वगैरह अगर अच्छी मिलती है तो। और यहाँ देखो कितने प्यारे लड्डू गोपाल हैं। ये दिखाने राधे के लिए कपड़े देख रहे हैं। अच्छा रुको रुको नन्ना, बड़ा हो गई भी ना। बड़ा तो हो गई है। कितने का है? दो। अच्छा घुमा इसको तो। और कलर देखो, माई कलर देख, ये पिंक भी है। तो दोस्तों डिनर हमारा हो गया है और सभी बहुत ज्यादा थके तो सोते हैं और आज की ब्लॉग कंप्लेंट कर रही हूँ। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। राधे राधे दोस्तों। ये परेशान हो गया हमारा।